तो इसमें ऐसे ड्रामेटिक मोमेंट पे हम लोग होली खेल रहे हैं फिल्म में, आप देखेंगे, तो इसीलिए वो स्लोगन वैसा बनाया है, बिकॉज इट्स वेरी ड्रामा हो रहा है वहाँ पे एंड इट्स अ ह्यूज क्या बोलेंगे उसको, आउटब्रेक और व्हाटएवर, सो इट्स लाइक अ वेरी ड्रामेटिक काइंड ऑफ होली इन द मूवी. मेरे डायरेक्टर 13 दे रहे हैं लेकिन 12-13. इसमें डांस फोक रखा है इसमें डांसिंग, क्योंकि वैसे ही उस वातावरण से आते हैं लोग जी. और मार्क्स क्या देने हैं अभी लोग देखेंगे तो पता चलेगा उन्हें कैसे पसंद आता है नहीं आता है, लेकिन इसमें सब जो गाने हैं वो पार्ट ऑफ द मूवी हैं, मतलब उनके थ्रू आगे सीन बढ़ता है जी. तो उस हिसाब से फिर वो डांसिंग वगैरह भी वैसे ही रखा है हमने. वुमेन्स डे पे आप इस फिल्म के माध्यम से महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती है? इसके थ्रू हम कहना चाहते हैं कि महिला को सशक्त बनाना चाहिए, उसे एम्पावर करना चाहिए, उसे शिक्षण देना चाहिए, उसे वो सब कुछ देना चाहिए जिससे वो एक इंडिपेंडेंस फील करे और उससे वो कॉन्फिडेंट होगी और सोसाइटी में उसकी रिस्पेक्ट रहेगी, लोग भी रिस्पेक्ट करेंगे, वो खुद को अपने आप को रिस्पेक्ट करने लगेगी. वैसे रज्जो तो हर औरत में रज्जो है, सिर्फ उसे पहचानना है उसे. जब भी पहली बार मेरे पास आए और इन्होंने मुझे रोल सुनाया तो मैंने सोचा कुछ थोड़ा इनका दिमाग ख़राब हो गया मेरे पास आए. फिर कुछ 2-3 हफ्ते के बाद मेरी इनसे और बात हुई, इन्होंने और मुझे समझाया कि इस रोल को कैसे प्ले किया जा सकता है. फिर मैं कुछ समझ नहीं लगी और फिर मैंने सोचा कि ये बहुत ही कमाल का आइडिया है और अगर मैं इसको कर पाऊँ